नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज कुछ बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड। आप लोगों के कमेंट आए थे तो शॉर्टली तरीके से 2-3 मिनट में मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। सनी मीना बोलते हैं, सर भाईजी अगर मलेशिया ब्लैकलिस्ट हो जाए वीजा मिल सकता है कुवैत का? जॉब के लिए कितना पैसा लगेगा वीजा के लिए? भाई देखिए, मलेशिया से आप ब्लैकलिस्ट हो गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुवैत में कोई दिक्कत आएगी। आप बिल्कुल जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कुवैत का वीजा आपका मिल जाएगा। अब पैसा तो भाई देखिए, हर वीजा का अलग अलग रेट, अलग अलग कॉस्ट होती है, तो आप कौन सा वीजा लेके जाते हो उसमें वो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी मैंने वीडियो कुवैत से रिलेटेड डाल रखे तो आप चाहे तो वो सर्च कर सकते हैं। कुलविंदर जाट बोलते हैं, सर मलेशिया में फैक्ट्री में इनके सवाल एक साथ सब हो गए, टोटल क्वेश्चन कर डाले इन्होंने। मलेशिया फैक्ट्री में कैसा काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है, फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्क परमिट कितने में आ जाता है, इसके लिए मेडिकल करवाना जरूरी है। यानी इस बंदे ने एक क्वेश्चन में सब क्वेश्चन कर डाले। तो भाई मलेशिया फैक्ट्री में काम कैसा होता है, जो और जगह होता है वैसा ही होता है, पैकिंग का जॉब होता है लगभग फैक्ट्रियों में, ठीक है। सैलरी 60 रिंगिट, 70 रिंगिट, 75 रिंगिट मिल जाता है 12 घंटे ड्यूटी का, 12 घंटे तक 70-75, 2100 रिंगिट तक इसमें सैलरी आ जाती है। वर्क परमिट 1.5 लाख के करीब इसमें आपको वर्क परमिट इंडिया में सर्विस सेक्टर का वीजा, मैन्युफैक्चरिंग का वीजा आपको मिल जाता है। मेडिकल करवाना जरूरी होता है, बिना मेडिकल के आप मलेशिया नहीं जा सकते वर्क परमिट वीजा में, ठीक है जी। श्री हरि बोलते हैं, सर इंग्लिश नहीं आती तो एयरपोर्ट पे हिंदी में वो लोग बात कर लेते हैं। अब वही बात है भाई, इंग्लिश आपको नहीं आती, हिंदी उनको नहीं आती तो कैसे करेंगे भाई। दुबई में तो ऐसा है, दुबई वालों को हिंदी आती है, क्योंकि गल्फ में आता कौन है, सिर्फ अपने इंडियन लोग आते हैं, तो वो सब 80-90% लेबर आदमी होते हैं, तो उनको हिंदी में कुछ वर्ड आते हैं। मैंने खुद ने देखा है, उनको हिंदी में कुछ वर्ड रटाए जाते हैं ताकि वो आराम से समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी और कंट्री में जाओगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। लगभग कंट्रियों में डिपोर्ट होने के पीछे भी यही रीजन होता है लेबर आदमियों का, क्योंकि वो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन अपन इंग्लिश में आंसर नहीं दे पाते तो अपने को फिर डिपोर्ट कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। तो इंग्लिश के बिना तो प्रॉब्लम है, वो हिंदी में बात नहीं कर सकते, गल्फ में चल जाती है, बाकी कंट्रियों में नहीं चल जाती। और गल्फ में तो डिपोर्ट होता भी कौन है भाई, गल्फ में डिपोर्ट वाला कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। अश्विनी कुमार बोलते हैं, सर मलेशिया में दवाइयां लेके जा सकते हैं? भाई मलेशिया में क्या कोई भी कंट्री में आप दवाई लेके जा सकते हो, अगर क्वांटिटी ज्यादा हो तो डॉक्टर की स्लिप होनी चाहिए आपके पास, अगर कम हो तो चल जाती है, कोई स्लिप की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा अगर आपको लगता है कि 1 किलो 2 किलो दवाइयां, तो उसमें बाकायदा आपका पक्का बिल होना चाहिए आपके नाम से, जो पासपोर्ट में नाम है, और आपके पास डॉक्टर का अथोराइज आपके पास लेटर होना चाहिए कि मैं दवाई लेके जा रहा हूं मेरे लंबे समय के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आती। प्रिंस पनवार बोलते हैं, सर मलेशिया के हांगकांग जा सकते हैं क्या? व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं भाई ने। भाई मलेशिया से हांगकांग क्या आप कोई भी कंट्री जा सकते हो, लेकिन ओनली फॉर विजिट, विजिट आप जा सकते हो, परमिट आपको अपनी ही कंट्री से मिलेगा, दूसरी कंट्री से परमिट नहीं मिलेगा। अगर ये बोलते हैं लोग कि मिलता है तो सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। पर हाँ, विजिट आप एक कंट्री से दूसरी तीसरी चौथी कितनी भी आप घूम लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, परमिट वीजा नहीं मिलेगा। अनवर खान बोलते हैं विथ कल्चर वाले, सर मेरा जीजाजी मलेशिया में फेल्टा प्लांटेशन में काम कर रहे थे, अब वो 3 मंथ से बीमार चल रहे हैं, हमने काफी कोशिश की लेकिन कंपनी उन्हें घर नहीं भेज रही है, उनकी हालत सीरियस है, हम क्या करें? तो अनवर खान भाई, मैं आपको बता दूं, देखिए प्लांटेशन में 3 साल का अग्रीमेंट होता है, लीगल प्रोसेस में अग्रीमेंट होता है, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते, एजेंट को दोष नहीं दे सकते, ठीक है। और वो इसीलिए आपको फ्री वीजा में मलेशिया लेके जाती है। अब लोग तो बोल देते हैं, लोग तो ये बोल देते हैं कि फ्री में काम होता है, भाई फ्री में ही होता है, मलेशिया का फिल प्लांटेशन का फ्री में है, लेकिन फिर भी आप लोग देके जाते हो ना 50-60-70-80-90-90-90,000 रुपये प्लांटेशन में लिए लोग दिए बैठे हैं। अब वो 3 साल का अग्रीमेंट होता है, बीच में आप आना चाहते हो तो कंपनी बोलती है मेरा 5,000 दराम दो, क्योंकि उसका वीजा का पैसा तो लगता है, लेबी फीस वगैरह, टिकट, और वो खर्चा तो रियल में 2,500 होता है, लेकिन वो बोल देते हैं 3,000-3,500 दो, 4,000 दराम रिंगिट दो वगैरह वगैरह, तो वो फिर अपने को भुगतना पड़ता है। इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो कंपनी छोड़ के भाग जाओ, उसमें तो आपको ज्यादा नुकसान होगा, उसमें ये है कि कंपनी छोड़ के भाग रहे हो, दूसरी जगह काम करना है, 1-2 साल करो, जिस दिन आना हो आप ब्लैक लिस्ट होके आ जाओ। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई नहीं घर जाना है, तो कंपनी ऐसे तो भेजेगी नहीं, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, 3,000-3,500-4,000 रिंगिट आपको उसमें कंपनी में पे कराओ, फिर आप कंपनी को टिकट दो, कंपनी बोलेगी उस दिन की टिकट आप टिकट दो, फिर कंपनी आपको लेके एयरपोर्ट पहुंचेगी,
एरोप्लेन तक में अंदर बिठा के आती है, ये नहीं कि आपने टिकट लेके एयरपोर्ट से भाग गए दूसरी जगह चले गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आने का प्रोसेस है, कंपनी का जो भी जुर्माना है उसकी जो वीजा की कॉस्ट है वो जमा कराओ, तुरंत कंपनी घर भेज देती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एजेंट के माध्यम से दो या जिस मैन पावर के थ्रू काम करवाते हो तो वो करवा लो आप, ऐसा हो सकता है। तो साथियों मलेशिया से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन थे उनका आंसर देने की कोशिश की, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले टाइम पे सही मोटिवेशन सही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आपको सही जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।